बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में अनामिका नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में अनामिका के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनामिका अनाथ हो गई। किसी भी रिश्तेदार ने अनामिका को सहारा नहीं दिया। बेचारी अनामिका एक सड़क के किनारे बैठकर नेल पॉलिश बेचा करती थी। अगर नेल पॉलिश बिक जाया करती तो वो खाना खा लिया करती थी, अगर नहीं बिकती तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसी तरह कठिनाइयों से भरी अनामिका की जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। हमेशा की तरह आज भी अनामिका नेल पॉलिश बेचने जाती है। आंटी जी, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर की नेल पॉलिश है, अगर आप इन्हें दुकान से खरीदने जाएंगी तो यही आपको 100 रुपए की मिलेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 50 रुपए में दे रही हूँ, मुझसे खरीद लीजिए। अगर आप मुझसे नेल पॉलिश नहीं खरीदेंगी तो मुझे आज भी खाना नहीं मिलेगा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि 2 दिन से मेरी एक भी नेल पॉलिश नहीं बिक रही। क्या लड़की, मैं तुझे फुटपाथ से नेल पॉलिश खरीदने वाली नजर आ रही हूँ। मैं ब्रांडेड नेल पॉलिश खरीदती हूँ, तुम्हारी जैसे लोकल नेल पॉलिश नहीं खरीदती। अगर तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ, मुझसे क्या तुम जिंदगी भर भूखी रहो। ऐसे दुत्कार कर वह औरत वहां से चली जाती है। अनामिका को बहुत तेज भूख लगी थी। अनामिका सब लड़की औरतों को देख रही थी, कोई तो उसकी नेल पॉलिश खरीदने यहाँ आए और वह उन पैसों से कुछ खा सके, लेकिन कोई भी अनामिका के पास उसकी नेल पॉलिश खरीदने नहीं आता। अनामिका बहुत उदास हो जाती। तभी अनामिका की नज़र एक रोटी पर जाती है जिसे एक कुत्ता छोड़कर जाता है। अनामिका सोचती है क्यों ना वह इस रोटी को खा ले, इस कुत्ते की जिंदगी मुझसे बेहतर है, कम से कम इसे सड़क के किनारे खाना तो मिल जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं इस झूठी रोटी को खा लूँ, मुझे नहीं लगता आज मेरी एक भी नेल पॉलिश बिक पाएगी। मुझे रोटी को खा लेनी चाहिए वरना दूसरा कुत्ता आकर इसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर अनामिका उस रोटी को खाने जा रही थी, तभी अनामिका के पास एक लड़की अपनी माँ के साथ अनामिका की नेल पॉलिश खरीदने आती है। सुनो लड़की, ये नेल पॉलिश कितने की है, मेरी बेटी को तुम्हारी नेल पॉलिश पसंद आ रही है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे ब्रांडेड नेल पॉलिश दिला देती हूँ, लेकिन कह रही है कि उसे ये कलर पसंद है, बताओ कितने की है। उस औरत की बातें सुनकर अनामिका खुश हो जाती है और वह खुश होकर कहती है आंटी जी, ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 50 रुपए की एक है। 50 रुपए की एक फुटपाथ पर? नहीं नहीं, 50 रुपए की 3 देनी है तो बात करो वरना रहने दो। अगर 50 रुपए की एक मैं तुमसे खरीद लूंगी तो मैं अपनी बेटी को ब्रांडेड ही ना दिला दूं। चलो बेटा यहाँ से, बहुत महंगी दे रही है। तभी अनामिका सोचती है कि 50 की 3 ही दे देती हूँ, कम से कम आज खाना तो खा पाऊंगी, वरना तो उसे कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर अनामिका 50 रुपए की 3 नेल पॉलिश दे देती है और जो पैसे उसे मिलते हैं उनसे अपने लिए खाना लेकर घर जा रही थी। तभी अनामिका को रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिलता है। अनामिका उसके पास जाती है और उससे कहती है, सुनो बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो, तुम अकेले हो यहाँ पर, तुम्हारे माता पिताजी कहाँ हैं, क्या तुम गुम हो गए हो? पता नहीं मेरे माता पिताजी कहाँ हैं, लेकिन मैं 2 दिन से ऐसे ही भटक रहा हूँ। मैं अपनी चाची के घर रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने माता पिताजी को कभी नहीं देखा। उस बच्चे की बात सुनकर अनामिका समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह अनाथ है और उसकी चाची ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तभी अनामिका कहती है, कोई बात नहीं, मेरा भी कोई नहीं है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और अनामिका ने जो खाना अपने लिए खरीदा था उसमें से थोड़ा खुद खाती है और बाकी का सब उस बच्चे को खिला देती है। खाना खिलाने के बाद अनामिका उस बच्चे से उसका नाम पूछती है, अब तुम मेरे भाई बन चुके हो, लेकिन तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है, और मुझे बताओ कि तुम्हारी चाची ने तुम्हें अपने घर से क्यों निकाला? दीदी, मेरा नाम अशोक है।
दीदी आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। चाची के घर पर तो सिर्फ 2 दिन में एक ही बार मिलता था और वो मुझसे बहुत ज्यादा काम कराती थी। एक दिन मैंने उनका काम नहीं किया, उसी की वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी वो मुझे बहुत मारती भी थी। ऐसा कहकर अशोक रोने लग जाता है। तभी अनामिका उसे अपने गले लगाती है और उससे कहती है, नहीं मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन है ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर अनामिका सुबह को दोबारा से नेल पॉलिश बेचने के लिए जाती है। अब अनामिका के ऊपर अशोक की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसलिए अनामिका नेल पॉलिश अब फुटपाथ पर नहीं बल्कि गली गली जाकर आवाज लगाकर बेचना शुरू कर देती है। नेल पॉलिश ले लो, बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश हैं, लाल हरी पीली नीली हर कलर की नेल पॉलिश हैं। एक बार लगाकर तो देखिए, आपके हाथ बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। नेल पॉलिश ले लो, बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश ले लो। इसी तरह आवाज लगाकर अनामिका इतनी तेज धूप में नंगे पैर एक गली से दूसरी गली नेल पॉलिश बेच रही थी। इस तरह से अनामिका की कुछ नेल पॉलिश बिक जाती हैं। उन पैसों से अनामिका खाना लेकर जाती है और दोनों भाई बहन बहुत खुशी खुशी उस खाने को खाकर सो जाते हैं। इसी तरह रोज अनामिका नेल पॉलिश बेचकर अपना और अशोक का पालन पोषण कर रही थी। समय बीत रहा था। एक दिन अनामिका की सभी नेल पॉलिश खत्म हो जाती हैं। अब अनामिका को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। अनामिका एक तरफ उदास बैठी थी, तभी अशोक उसके पास आता है और अनामिका से कहता है, दीदी बहुत समय हो गया, आप आज नेल पॉलिश बेचने नहीं जा रही, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? मुझे बताओ क्या परेशानी है? अशोक मेरे प्यारे भाई, मेरे पास जितनी भी नेल पॉलिश थी सब बिक चुकी है। अब मेरे पास पैसे नहीं कि मैं और नेल पॉलिश खरीद कर उन्हें बेच पाऊँ। अब हम दोनों क्या खाएंगे? नेल पॉलिश बेच कर ही तो हमारा गुजारा चल रहा था, लगता है भीख मांग कर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। नहीं दीदी, हम भीख नहीं मांगेंगे, आप नेल पॉलिश ही बेचेंगी। मगर कैसे मेरे प्यारे भाई, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है नेल पॉलिश लाने के लिए। दीदी आपको पता है, जब आप नेल पॉलिश बेचने जाती थी तो मैं बाहर खेलने के लिए जंगल में जाता था। तभी मैंने एक नदी देखी, वहाँ पर एक झरना था जहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश आ रही थी। यह देखकर मैं दंग रह गया। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए आखिर उस झरने से नेल पॉलिश कहाँ से आ रही थी। सच में तुमने नेल पॉलिश का झरना देखा? फिर तो हमें वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। ऐसा कहकर अनामिका अशोक के साथ उस झरने के पास चली जाती है। वहाँ जाकर अनामिका देखती है झरने से बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश नीचे गिर रही हैं, जिन्हें देखकर अनामिका भी चौंक जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर और इतनी ज्यादा नेल पॉलिश, ये तो झरने से बहकर नदी में आ रही है। इतनी ज्यादा सुंदर नेल पॉलिश मैंने कभी नहीं देखी। अनामिका ऐसा कह ही रही थी तभी उस झरने से आवाज आती है, मैं जादुई नेल पॉलिश का झरना हूँ और मैं अपने सभी नेल पॉलिश उसे देता हूँ जो नेक दिल और ईमानदार के साथ साथ दूसरों की मदद करते हैं। तुम मुझे अपनी कोई ऐसी सच्चाई बताओ जिससे तुमने किसी दूसरे का फायदा किया हो, तभी मैं अपनी जादुई नेल पॉलिश के झरने से तुम्हें बहुत सारी नेल पॉलिश दूंगा, वरना तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जादुई नेल पॉलिश के झरने के इतना कहते ही अशोक रोने लग जाता है और रोता हुआ जादुई नेल पॉलिश के झरने से कहता है, जादुई नेल पॉलिश के झरने, आपको पता है अनामिका दीदी कितनी अच्छी है, मैं उन्हें रास्ते में मिला था और उन्होंने मेरी देखभाल अपने सगे भाई जैसी की। अनामिका दीदी पहले मुझे खिलाती थी, उसके बाद खुद खाती थी। कभी कभी तो मेरी वजह से अनामिका दीदी को भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी अच्छी है मेरी अनामिका दीदी। क्या आप उनकी अच्छाई जानकर उन्हें जादुई झरने की नेल पॉलिश दोगे? है अशोक की बातें सुनकर
जादुई नेल पॉलिश के झरने को उसकी बात पर यकीन आ जाता है और वह अपने जादुई झरने से नेल पॉलिश लेने की आज्ञा दे देता है। अनामिका, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुसीबत में एक अनाथ बच्चे की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादुई नेल पॉलिश के झरने से बहुत सारी नेल पॉलिश देता हूँ। उससे तुम्हारी सभी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। अनामिका जादुई नेल पॉलिश के झरने की बातें सुनकर खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। अनामिका जादुई नेल पॉलिश के झरने से बहुत सारी नेल पॉलिश ले जाती है। सभी नेल पॉलिश बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं, अलग अलग कलर की थीं, जिसकी वजह से नेल पॉलिश तुरंत बिक जाती हैं। कुछ ही दिनों में अनामिका एक कॉस्मेटिक की शॉप खोलती है और सबसे ज्यादा अनामिका की नेल पॉलिश ही फेमस होती हैं। लड़की हो या औरत, हर कोई अनामिका से ही नेल पॉलिश खरीदना चाहता था। अनामिका की कॉस्मेटिक की शॉप के सामने एक बड़ी कॉस्मेटिक की शॉप थी, जिसे काजल नाम की एक लड़की चलाया करती थी। काजल के पास बहुत कम ग्राहक आया करते थे। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, जब से इस अनाथ लड़की ने मेरे सामने अपनी कॉस्मेटिक की शॉप खोली है, तब से मेरे ग्राहक तो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। सबके सब इस अनामिका की बच्ची के पास जाते हैं। कुछ तो करना होगा, अगर मैं उसके शॉप को जला दूं तो कैसा रहेगा? काजल बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इसकी कॉस्मेटिक की शॉप को जला देना चाहिए। उसके बाद सब ग्राहक तेरे ही पास आएंगे। वैसे भी इस करमजली की नेल पॉलिश बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं। पता नहीं इसके पास इतनी ज्यादा सुंदर नेल पॉलिश कहाँ से आती हैं। तो दोनों माँ बेटी अनामिका की शॉप को जैसे ही जलाने वाली होती हैं, तभी शॉप से बाहर बहुत सारे सांप और बिच्छू निकलकर आते हैं और काजल को डस लेते हैं। काजल की तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जादुई झरने की नेल पॉलिश बाहर निकलकर आती है और वह काजल की माँ से कहती है, तुम दोनों माँ बेटी अनामिका की शॉप को जलाकर उस बेचारी को सड़क पर लाना चाहती थी, लेकिन जब तक हम अनामिका के साथ हैं, तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिल चुकी है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी अपनी जान से जाओगी, जैसे तुम्हारी बेटी जा चुकी है। जादुई नेल पॉलिश की बातें सुनकर उर्मिला घबरा जाती है और वहां से तुरंत भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका जादुई झरने की नेल पॉलिश बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाती है और अपने जैसे अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है। जादुई झरने की नेल पॉलिश की मदद से अब अनामिका और अशोक एक खुशहाल जीवन बिताते हैं।